हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और वीडियो जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेस्ड है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं नंबर सिस्टम्स के एंड सिंप्लीफिकेशन के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम में से तो हर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, इसके हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी इजी है। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो आप डेफिनेटली इजीली आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया तो कम से कम 7 या 8 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए आपके एग्ज़ाम्स में, वो तो आपके आके ही रहेंगे। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में से हर एक एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, चाहे वो प्री का पेपर हो या मेन का पेपर हो, मेंस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, आप देख लीजिएगा सारे पेपर्स को उठा करके, उनकी हिस्ट्री मतलब कि सारे एग्ज़ाम्स देख लीजिए, लास्ट के 2018 के, 19 के, ठीक है 17 के, तो सारे एग्ज़ाम्स में 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, तो इन और कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम में से भी आते ही हैं। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। ओके, सो लेट स्टार्ट। देखिए नंबर सिस्टम, ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, द रियल नंबर्स आर अ टू टाइप, दो तरह के रियल नंबर हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं आपके इंटीगर्स एंड फ्रैक्शनल, और इंटीगर्स पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। ठीक है, और इंटीगर्स के अंदर आते हैं होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, एंड द नेचुरल नंबर के अंदर आता है आपका इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर वो नंबर है, दोज नंबर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। द सेट ऑड रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ अ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, वो नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि रिप्रेजेंट करते हो खुद को नंबर लाइन्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रियल नंबर। और जो सेट होता है रियल नंबर का, ठीक है ना, रियल नंबर के सेट को, सेट में सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स आते हैं इनके अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इज़ 11/17, ठीक है, दैट इज़ अ रियल नंबर। 19/21, दैट इज़ अ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। -7/8, ये भी रियल नंबर है। √7, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, 8+√3, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रियल नंबर के अंदर आती हैं। यानी कि रियल नंबर क्या है, जो कि वो नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइंस में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। और इसके अंदर, रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर आते हैं, रेशनल और इरेशनल, ठीक है ना, नंबर्स। ओके, अब है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं कि दोज नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ये वो नंबर्स हैं जिनको हम अंडरलाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर हम प्रेजेंट नहीं करते हैं, इन्हें इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इज √-1 एंड √-5, इस तरीके के जो नंबर्स होंगे वो आएंगे इमेजिनरी नंबर के अंदर। ठीक है, अब है रेशनल नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीगर्स एंड आर नोन एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, वो नंबर्स जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं p/q, यानी कि p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p और q दोनों इंटीगर्स हैं, ठीक है, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इज अ 4/5, जो कि रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो 4/5 और 4/3, ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये हैं दे नंबर, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड
इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। इन्हें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, यानी कि हम जो नंबर्स जैसे पी बट्टा क्यू, जहाँ पे कि पी और क्यू इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, पी बट्टा क्यू के रूप में हम जिन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो आते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे कि इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स कैसे हैं, जैसे पाई हो गया, पाई यानी कि पाई का सबको पता है कि 22/7 होता है, राइट। पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अंडर रूट 2 हो गया, वो हो गया अंडर रूट 3+1, दैट इज़ अ इरेशनल नंबर, क्योंकि हम उनको एक तरीके से जैसे हमने पी अपॉन क्यू के रूप में हम रेशियोनल नंबर्स को एक्सप्रेस कर रहे थे, इरेशनल नंबर्स को ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ओके। अब इंटीग्रल्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल्स, अ नंबर विथ नो फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड इंटीग्रल्स, ठीक है, एंड इट इंक्लूड द काउंटिंग नंबर्स। इंटीग्रल्स वो हैं जिनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, यानी कि फ्रैक्शनल यानी कि पी अपॉन क्यू पे बेस्ड नहीं होते हैं। हम उनको एक्सप्रेस ऐसे, यानी कि 4/5 या 4/3 या 2/3, 1/2, इस तरीके नंबर्स को हम इंटीग्रल्स नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इट इंक्लूड द काउंटिंग नंबर्स, ये इंक्लूड करता है आपका काउंटिंग नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड, ठीक है, ये सारे नंबर्स इंटीग्रल्स में आते हैं, 0, ठीक है, 0 एंड 0। एंड द निगेटिव काउंटिंग नंबर्स, जो निगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं यानी कि निगेटिव इंटीग्रल्स हम जिन्हें बोलते हैं, वो है -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये क्या है, निगेटिव इंटीग्रल्स हो गए। और 0 एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव इंटीग्रल्स होता है ना ही निगेटिव होता है, ठीक है। अब है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर मतलब कि सारे रेशियोनल नंबर, ठीक है, ऑल रेशियोनल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीग्रल्स एंड पी इज नॉट मल्टीपल ऑफ अ क्यू, आर कॉल्ड द फ्रैक्शन, ठीक है। वो सारे रेशियोनल नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं पी बटा क्यू के फॉर्म में, ठीक है, और जहाँ पे पी और क्यू दोनों ही इंटीग्रल्स हैं, और पी जो कि मल्टीपल नहीं है क्यू का, ठीक है, पी अलग है क्यू अलग है, यानी कि दोनों आपस में मल्टीपल नहीं है, ठीक है। मल्टीपल इन द सेंस कि ये बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, आप समझते हैं ना, हाँ, कि यानी कि ये बोले तो मतलब डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आपस में डिवाइड नहीं हो सकते हैं, मतलब अगर हम इन्हें डिवाइड भी करेंगे तो ये कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में ही इनका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, तो इनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जहाँ पर पी अपॉन क्यू की, अगर पी बट्टा क्यू की बात करें तो पी को हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, ठीक है, और क्यू को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन नंबर में, अगर फ्रैक्शन नंबर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 2/7 है, तो 2 को हम क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर, और 7 को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। जैसे 3/8 है, ठीक है, 3/8 में 3 को हम क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर, और 8 को हम क्या बोलेंगे, हम 8 को बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। 6/5 है, तो 6/5 में हम बोलेंगे 6 को हमने न्यूमिनेटर बोला और 5 को हमने डिनोमिनेटर बोला, ठीक है। ऐसे ही सेम 5/2 या 2/3, ठीक है, ऐसे। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स यानी कि जो 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन सब को हम होल नंबर बोलते हैं, और जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो क्या है, 0, ओके, इज दैट क्लियर। होल नंबर यानी कि जो नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे होल नंबर्स हैं, और जो सबसे छोटा होल नंबर है वो है 0। फ्रैक्शन एंड निगेटिव नंबर्स आर नॉट, जो भी फ्रैक्शनल फ्रैक्शंस यानी कि फ्रैक्शनल नंबर यानी कि अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि 2/7, 3/8, 6/5, 5/2, ये, और निगेटिव नंबर यानी कि -2, -3, -4, -5, ये होल नंबर्स में नहीं आते हैं, ओके, इनको एंड, ठीक है, दे आर अ नॉन निगेटिव इंटीग्रल्स। और ये क्या होते हैं कि ये एक नॉन निगेटिव इंटीग्रल्स इसमें आते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल्स होल नंबर के अंदर आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ओके।
अभी हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर्स को भी हम काउंटिंग नंबर ही बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स मीन्स कि दीज आर ऑल्सो काउंट द काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आर अ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं हम उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो नेचुरल नंबर है। वेन टू नेचुरल नंबर्स आर एडिड एंड मल्टीप्लाइड टुगेदर रिजल्ट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। जब हम किसी दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं या उनकी गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई यानी कि उनकी उनका गुणा भागा करते हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हिंदी में ऐड को जोड़ना बोलते हैं, जोड़ना, और मल्टीप्लाई को गुणा करना बोलते हैं। तो अगर साथ में करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट आर नेचुरल नंबर। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको हम काउंटिंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। और जो फ्रैक्शनल नंबर है यानी कि 2/7, 3/8 जो फ्रैक्शन में है, 2/7, 3/8, 6/5 वो नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू कॉल्ड द इवन नंबर्स। वो सारे नंबर, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं यानी कि अगर हम उन्हें दो से भाग करें तो वो कम्प्लीटली भागा हो जाते हैं दो से, तो हम उन्हें इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 से 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, 14, 28 एंड 52, ठीक है। ये नंबर वो नंबर्स हैं जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं? कि ऑड नंबर, ऑल दोज नंबर विच इज एग्जैक्टली नॉट डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड द ऑड नंबर। वो नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं एक्यूरेटली, यानी कि जैसे कि अगर मैंने 4 किया तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, 2 2 जा 4 होता है, 2 2 ना 4 होता है, वो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो ऑड नंबर के केसेस में क्या है कि वो डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द ऑड नंबर, उसको हम ऑड नंबर बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ठीक है। प्राइम नंबर द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। एक तो एक और दूसरा वो नंबर खुद, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कि प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जो कि या तो एक से डिवाइड होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर बोल रहे हैं। और एक जो कि कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, जैसे 2 है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और 31 है, ठीक है। तो ये हैं आपके प्राइम नंबर्स जो कि 2 यानी कि या तो वो एक से डिवाइड होगा या तो वो खुद से डिवाइड होगा, 5 जो एक से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, जो एक से और खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो है प्राइम नंबर, ठीक है। कॉम्पोसाइट नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर नॉट ओनली डिविजिबल बाई वन और देम सेल्फ बट बाई द सम अदर नंबर, ठीक है। कॉम्पोसाइट नंबर वो नंबर हैं कि जो केवल एक या खुद से डिवाइड नहीं हो रहे हैं बल्कि दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो रहे हैं, बाकी के नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, उनको हम कॉम्पोसाइट नंबर कहते हैं। देखिए प्राइम नंबर और कॉम्पोसाइट नंबर में केवल एक डिफरेंस है, ठीक है। प्राइम नंबर यानी कि जो एक से और खुद से डिवाइड हो रहे हैं वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। और कॉम्पोसाइट नंबर वो नंबर है जो एक और खुद से तो डिवाइड होंगे ही, उसके अलावा बाकी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, वो कॉम्पोसाइट नंबर है। जैसे कि 4 जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 से डिवाइड, 1 से होता है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, और 9 से तो होगा ही वो डिवाइड। जैसे कि 15 है, ठीक है, 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और खुद 15 से डिवाइड होगा। 18 है, 1 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा और 18 से खुद। तो ये कॉम्पोसाइट नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर यानी कि 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब कि वो नंबर्स जिनके अंदर केवल एक ऐसा कॉमन फैक्टर है, एक, ठीक है, ओनली 1 मतलब कि एक एज अ कॉमन फैक्टर, एक जो कि कॉमन फैक्टर है उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 5 और 7, 5 और 7 क्यों? क्योंकि 1 से 5 भी डिवाइड होता है और 1 से 7 भी डिवाइड हो रहा है। 15 और 16 की बात करें तो दोनों 1 से डिवाइड हो रहे हैं और खुद से डिवाइड हो रहे हैं, चाहे हम, ठीक है, हाँ।
तो एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। ट्विन प्राइम हम किन्हें कहते हैं? ट्विन, टू प्राइम नंबर विच डिफर बाय टू, दो प्राइम नंबर जो कि जिनके बीच में दो का डिफरेंस है उनको हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं, ठीक है ना। दो ऐसे प्राइम नंबर ले लीजिए जिनके बीच में दो का डिफरेंस आता है, दो नंबर का डिफरेंस आता है, टू नंबर्स का जिनके बीच का डिफरेंस टू है वो ट्विन प्राइम में आते हैं। जैसे कि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है बिकॉज एक से और खुद से डिवाइड हो रहे हैं ये, ठीक है ना। एक नंबर से और खुद से डिवाइड हो रहे हैं। 5 और 7 हैं, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 11 और 13 है, 71 और 73, ठीक है। अब है कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं द नंबर्स विच आर फॉलोइंग और कमिंग आफ्टर द अदर नंबर्स इन अ रेगुलर ऑर्डर्स आर कॉल्ड द कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। वो नंबर्स जो कि या तो फॉलो कर रहे हैं या तो आ रहे हैं, या तो आगे या पीछे। मतलब कि सपोज कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या है? सपोज अगर 5 है तो 5 के आगे क्या आता है? 4 आता है, और पीछे क्या आता है? 6 आता है। तो कंजिक्यूटिव नंबर 5 के 4 और 6 दोनों है। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि द नंबर विच आर फॉलोइंग और कमिंग आफ्टर द नंबर इन अ रेगुलर ऑर्डर, ठीक है ना। जो कि फॉलो भी कर रहे हैं और आ भी रहे हैं, कमिंग भी हो रहे हैं उस नंबर के आसपास, ठीक है, आगे पीछे एक रेगुलर ऑर्डर में, उसको हम कंजिक्यूटिव नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 जो कि इवन कंजिक्यूटिव नंबर है, और 5, 7, 9, 11, 13 जो कि ऑड कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और जो नेचुरल ऑर्डर में कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7 ये नेचुरल ऑर्डर में कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे हाँ मतलब कि ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 एक के बाद एक, एक के बाद एक फॉलो हो रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइम नंबर, कुछ करेक्टर्स हैं प्राइम नंबर के, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये मतलब क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और कम टाइम में हमें अपना बेस्ट देना होता है। तो बेटर है कि इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको आप याद कर लीजिए अच्छे से, कि वहाँ पे आपके हेल्प होगी एग्ज़ाम के दौरान। कि आपको जैसे ये पहला पॉइंट है कि देयर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100, यानी कि 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस चीज़ को आप रट लीजिए कि 25 प्राइम नंबर है 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ पे आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है, पहले आपको नोट करना पड़ेगा, देन आप काउंट करोगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि आप याद कर लीजिए जैसे कि 25 प्राइम नंबर है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट उसको विद इन द सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 केवल एक ऐसा इवन, एक तो ये केवल इवन प्राइम नंबर है, दूसरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है ना। मैंने ये बताया था आपको कि एक प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 2 जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और केवल एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है ये, ठीक है। 97 इज़ द ओनली प्राइम नंबर, 97 केवल एक इकलौता प्राइम नंबर है 90 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। 90 से लेके 100 के बीच में जो 10 नंबर्स हैं उनमें केवल 97 ऐसा है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। 91 इज़ ऑफ्टन मिस्टेकन एज अ प्राइम नंबर, ये 91 को कभी क्या होता है कि आप मिस्टेकन उसको एज अ प्राइम नंबर बोल सकते हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 13 से डिवाइड हो रहा है, राइट। 1 से तो हो रहा है, 91 से भी हो रहा है, और 13 से भी डिवाइड हो रहा है, तो दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। कभी मिस्टेकन हम इसको प्राइम नंबर लिख लेते हैं क्योंकि ऑड नंबर होता है तो हमें ऐसा लगता है कि प्राइम नंबर है, ओके। हाउ टू फाइंड वेदर द नंबर इज प्राइम एंड नॉट, कि आप कैसे पता करेंगे कि नंबर प्राइम है और नॉट। इसमें ये 2 स्टेप्स हैं, इनके थ्रू आप पता कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे फॉर स्मॉल नंबर वी कैन चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय अदर प्राइम नंबर लेस देन दैट नंबर, दैट नंबर, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास कोई छोटा नंबर है, ठीक है, हमारे पास अगर कोई छोटा नंबर आया हुआ है तो हम उसको कोई दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, लेकिन वो प्राइम नंबर छोटा होना चाहिए उस नंबर से। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि मेरे पास मान लो मेरे पास 7 कोई नंबर है, ठीक है, 7 नंबर है, 7 नंबर है, तो मुझे 7 से छोटे के जितने प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 7 से छोटा
पांच आता है, तीन आता है, और तीन आता है, दो आता है, ठीक है, जो प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं इन तीनों से डिवाइड करके देखूंगी कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। अगर डिवाइड होता है तो इट मीन्स कि दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, अगर नहीं होता तो सात प्राइम नंबर है, ठीक है। बट फॉर द लार्जर नंबर लाइक 631 देयर इज़ एन अल्टरनेट। और लेकिन कुछ ऐसे नंबर जैसे कि 631 है, ठीक है, 631 है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट मेथड है, जैसे कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर 25, ठीक है। 631, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसके आसपास का स्क्वायर नंबर हमें ढूंढना होगा, कि हम कोई नंबर पकड़ें जैसे कि 631 है, 631 के आसपास, यानी कि 25 हमने नंबर लिया, 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 625 होता है, 625 होता है, यानी कि वो 631 के आसपास मिलता जुलता है, मतलब कि इर्द गिर्द का है, ठीक है, आसपास का है 625। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें दूसरा स्टेप क्या है कि पहले तो हमें ये करना है, बड़े नंबर के आसपास का कोई स्क्वायर नंबर हमें लेना है, कोई नंबर लेना है जिसका स्क्वायर देखना है जो कि उसके आसपास हो, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो बट आसपास 2, 4, 8, 10 का डिफरेंस हो। फिर हमें चेक करना है इफ़ एनी प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 25, ठीक है। जैसे 631 था, 631 के मैंने एक नंबर लिया 25, 25 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो 625 आता है, यानी कि 625 631 का नियरर नंबर है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करूँगी कि अब 2 से लेकर के 25 के बीच में, मैंने बोला ना वन प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए मैं 2 से 25 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स लूँगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि उसे उन प्राइम नंबर्स से, जब मैंने कैलकुलेट कर लिए कि ये प्राइम नंबर्स हैं, उन प्राइम नंबर से 631 को डिवाइड करूँगी। अगर मैं देखती हूँ जैसे प्राइम नंबर से 2 से लेके 25 के बीच में, 2 से 25 के बीच में है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23, और इनमें से कोई भी नंबर 631 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता, यानी कि 631 पूरी तरीके से विभाजित नहीं होता है इन प्राइम नंबरों से। तो हम क्या मान लेंगे, जब नहीं डिवाइड हो रहा है तो 631 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यहाँ तक तो था प्राइम नंबर, नंबर सिस्टम्स के बारे में मैंने बात करी थी, अब है डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। ये रूल्स भी ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप इन रूल्स को याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्या होगा कि हेल्प ही मिलती है, क्योंकि वहाँ पे इतना वक्त तो होता नहीं है ऑन एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम जब हम पेपर दे रहे होते हैं, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस आते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम शॉर्टकट चीज़ों को याद करें, ताकि तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, करेक्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो अ नंबर, जैसे डिविजिबिलिटी रूल में ये है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 व्हेन इट्स यूनिट डिजिट इज अ इवन नंबर और 0। ये याद कर लीजिए कि एक नंबर जो कि डिविजिबल होगा केवल 2 से तब जब उसका यूनिट डिजिट या तो इवन नंबर होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यानी कि उसके यूनिट डिजिट में या तो 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 ऐसे कोई नंबर इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। और अ नंबर नेक्स्ट इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 व्हेन द सम ऑफ इट्स अ डिजिट, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर जो कि 3 से तब डिविजिबल होगा जब उस नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है, जैसे कि 312 है, 213 है, ठीक है। अगर 312 के सारे तीनों डिजिट्स का सम देखें तो 3 × 4, 3 + 1 = 4, 4 × 6, यानी कि 6 3 से डिवाइड होता है। सेम चीज़ इसमें 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 जो कि 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे इजीली पता कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 व्हेन द नंबर फॉर्मड द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और द लास्ट टू डिजिट इज 0। एक नंबर जो कि 4 से तभी डिवाइड होगा जब, ठीक है ना, जब उस नंबर के जो जो नंबर है उसका जो लास्ट टू डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रहा है या लास्ट के टू डिजिट में 0 रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 1132 है, यानी कि लास्ट के जो टू डिजिट है 32 जो कि 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। 1312 है तो यानी कि लास्ट का 12 4 से डिवाइड होता है, या तो फिर 0 हो उसके लास्ट में, जैसे 1400 1400 है, यानी कि ये 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 व्हेन इट्स अ यूनिट डिजिट इज 5 और 0, ठीक है। एक नंबर जो कि 5 से डिवाइड होगा या तो उसकी यूनिट डिजिट में 5 हो या 0 हो। फॉर एग्जांपल जैसे 100 है, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट में क्या है,
जीरो है, 205 है, यानी कि यूनिट डिजिट में 5 है। तो ये नंबर तभी 5 से डिवाइड होंगे जब उनकी यूनिट डिजिट में या तो 5 होना चाहिए, 5 हो, या तो 0 हो, शून्य हो, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6। एक नंबर जो कि 6 से तभी डिवाइड होगा व्हेन इट इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। एक नंबर जो कि 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो डिवाइड होगा 2 या 3, यानी कि दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 12 है, जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो जाहिर सी बात है 6 से भी वो डिवाइड होगा, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 वेन द नंबर फॉर्म्ड इन द लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाई 8 और द लास्ट 3 डिजिट आर 0, ठीक है। एक नंबर जो कि 8 से तभी डिवाइड होगा जब जो नंबर हमें दिया गया है उसके जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, वो जब 8 से डिवाइड हो रहे हैं या उसके लास्ट के 3 डिजिट्स में 0 हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1864 है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ओके। और ये है, देखिए, 1024 है, यानी कि लास्ट के डिजिट 8 से डिवाइड होंगे। 208 है, यानी कि लास्ट के डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये नंबर क्या है, ये तब ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 वेन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। एक नंबर 9 से तभी डिवाइड होगा जब इसकी सारी, जो नंबर दिया उसकी सारी, उसकी डिजिट्स का सम डिवाइड हो रहा है 9 से, ठीक है, तभी वो 9 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 0 प्लस 9 इज 18। तो यानी कि 18 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इनका सम, इस पूरे नंबर का सम क्या है, सारे डिजिट्स का 18 है। तो 18 अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ ही, मतलब विद इन द सेकेंड्स, 1 या 2 सेकेंड में आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 व्हेन इट्स अ यूनिट डिजिट इज 0। एक नंबर जो कि 10 से तब डिवाइड होगा जब उसकी यूनिट डिजिट में 0 होगा, जैसे कि 50 डिवाइड होता है यूनिट डिजिट में 0 है। फॉर एग्जाम्पल, 13 10, इसकी यूनिट डिजिट में 0 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 11 वेन द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड एंड इवन प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 11 से डिवाइड तब होगा जब जो भी डिफरेंसेस है, यानी कि उनके बीच का जो अंतर है, ठीक है, डिफरेंसेस अंतर, यानी कि बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड, यानी कि ऑड नंबर के, ऑड नंबर में जो डिजिट्स हैं उनका सम, ठीक है, और इवन प्लेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम 0 हो, या वो नंबर मल्टीपल, या मल्टीपल हो 11 का, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर अगर 11 से तब डिवाइड हो रहा है जो भी डिफरेंसेस है द सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड नंबर, उनके जो ऑड नंबर में, सपोज कोई डिजिट है उसके बीच, उसमें जो ऑड नंबर, ऑड प्लेसेस में जो डिजिट है उनका सम, और जो इवन प्लेसेस में जो डिजिट है उनका सम का डिफरेंस, दोनों के सम का डिफरेंस 0 होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए 11 का। मल्टीपल इन द सेंस कि 11 से वो डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, 909183, ठीक है। अभी इसमें अगर मैं ऑड नंबर के थ्रू जाऊं तो यानी कि 9 प्लस 9, ठीक है, 9 9 9 18, और ये कितना है, 18 एंड 8 26 हो गया, करेक्ट है। फिर इवन प्लेस में अगर मैं जाऊं तो यानी कि 0 प्लस 1 प्लस 3, यानी कि 3 1 4, 26 में से अगर मैं 4 को माइनस करूं इवन और ऑड डिजिट के जो नंबर हैं तो मेरा 22 आता है, और यानी कि 22 जो कि 11 से डायरेक्ट डिवाइड होता है, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 एंड व्हेन इट इज डिविजिबल बाई बोथ 3 और 4। एक नंबर जो कि 12 से तभी डिवाइड होगा जब वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है, ठीक है। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 14 व्हेन इट इज डिविजिबल बाई 2 और 7 बोथ। एक नंबर 14 से तभी डिवाइड होगा जब 2 और 7 दोनों से वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक नंबर इज डिविजिबल बाई 15 व्हेन इट इज डिविजिबल बाई 3 और 5 बोथ। एक नंबर जो कि 15 से तब डिवाइड होगा जब वो डिवाइड हो रहा है 3 और 5 दोनों से। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 16, ठीक है, इफ़ द नंबर इज फॉर्म्ड बाई द इट्स लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाई 16। एक नंबर
16 से तब डिवाइड होगा जब जो नंबर दिया गया है उसके जो लास्ट फोर डिजिट्स हैं उनका जो लास्ट के जो फोर डिजिट्स हैं अगर वो डिवाइड हो रहे हैं 16 से, ठीक है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 24 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 3 and 8 बॉथ। एक नंबर 24 से तब डिवाइड होगा जब वो डिवाइड हो रहा है पूरे तरीके से 3 और 8 दोनों से, ठीक है। एक नंबर जो कि 40 से तब डिवाइड होगा जब वो डिवाइड हो रहा है 5 और 8 दोनों से। एक नंबर जो कि 80 से तब डिवाइड होगा जब वो डिवाइड हो रहा है 5 और 16 दोनों से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा, ये भी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स में क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? +1, ठीक है। द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर इज अ -1, जो ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर है वो है -1। द नंबर 0, ठीक है, इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीगर। 0 मैंने आपको पहले बता दिया है कि ना तो वो निगेटिव इंटीगर होता है ना ही पॉजिटिव, ठीक है। 1 इज़ द ओनली नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोसाइट नंबर। 1 केवल एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोसाइट नंबर है, ठीक है। अ स्क्वायर नंबर मे हैव अ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज इन इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। एक स्क्वायर नंबर मतलब कि इनका अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स में हैव 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। इनकी खुद की यूनिट प्लेस में यही नंबर आते हैं। अ क्यूबिक नंबर मे हैव एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द होल नंबर प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो होल नंबर्स प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास उनको सॉल्व करने के लिए हमारे ये फॉर्मूलाज हैं जिनको हमें लगाना है, ठीक है। तो इन्हें भी याद ही करना पड़ेगा, बाकी तो कोई चॉइस है नहीं, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। जैसे कि सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to n, ठीक है। सम ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to n, n यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 100 तक हमें इन सारे नंबर्स का सम बताना है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि 1 से लेके n तक, n मान लो 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 एंड 100 भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, n n into n plus 1 upon 2, ठीक है। n ब्रैकेट में n into n plus 1 डिवाइड बाई 2, तो जहाँ पे n जो कि नंबर्स ऑफ टर्म्स है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ऑड नंबर, कि कितने ऑड नंबर हैं हमारे पास 1 से लेके n के बीच में, यानी कि मैंने बताया कि n कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 40, 50, तो हम ये मान सकते हैं कि कितने ऑड नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर आते हैं। सपोज मान लिया हमने कि 1 से लेके 50 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, हमारा तो उसका फॉर्मूला है लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 upon 2, यानी कि मान लो 50, 1 से लेके 50 के बीच में जो लास्ट ऑड नंबर आता है, मेरे ख्याल से 47 है वो, ना सॉरी 49, तो हम क्या करेंगे, 49 plus 1 यानी कि 50 upon 2 यानी कि कितना हो गया, 25 ऑड नंबर्स आएंगे 1 से लेके 50 के बीच में, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। एंड सम ऑफ ऑड नंबर, अब मुझे ये बताना है कि सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to n, ठीक है। हाँ, तो सम यानी कि पहले तो मुझे ऑड नंबर्स कैलकुलेट करने हैं और उसके बाद उनका सम बताना है, उनको प्लस करके कि कितना होता है। तो अब मैं पहले ऑड नंबर कैलकुलेट करूं कि कितने ऑड नंबर आते हैं, फिर 1 by 1 उनको अगर प्लस करने बैठूं तो ठीक है, उस पर काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। तो बेटर है कि जब मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 से लेके 50 के बीच में जितने ऑड नंबर हैं उनका सम क्या होगा, तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा करके, यानी कि लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 upon 2, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा करके कि मुझे ऑड नंबर की क्वांटिटी पता चल जाएगी कि कितने नंबर आते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ ऑड नंबर, कि कितने नंबर आए उसका स्क्वायर कर दो। अगर मुझे यहाँ पे पता चला कि 1 से लेकर के 50 तक नंबर ऑफ ऑड नंबर मुझे पता चला 1 से लेके 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं, तो इस फॉर्मूले से मुझे पता चला कि 25 नंबर हैं, तो मैं उस ऑड नंबर का सम कैसे निकालूंगी, ये वाला फॉर्मूला लगा के, यानी कि मुझे पता है कि 25 ऑड नंबर आते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ ऑड नंबर का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 उसका सम हो गया ऑड नंबर का, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to n, ठीक है, कितने इवन नंबर हैं 1 से लेके
50 के बीच में, मैंने n को 50 मान लिया है, ठीक है। कितने इवन नंबर आते हैं, तो लास्ट इवन नंबर क्या होगा मेरा, 48 होगा, यानी कि 48, ठीक है। लास्ट इवन नंबर 50 है ना, 50 है लास्ट इवन नंबर, तो यानी कि 50/2, तो 25 इवन नंबर आते हैं, ठीक है। अब सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to n, तो सेम चीज़ यहाँ पे ये बोलता है कि इवन नंबर का सम निकालना है जो कि 1 से लेके 50 के बीच में है, ठीक है। एन मैंने 50 माना है, तो नंबर ऑफ इवन नंबर, नंबर ऑफ इवन नंबर इंटू नंबर ऑफ इवन नंबर प्लस 1, ठीक है। पहले तो मैं क्या करूँगी कि नंबर ऑफ इवन नंबर यानी कि कितने, 1 से लेके 50 के बीच में नंबर ऑफ इवन नंबर कितने, 25 है, ठीक है। हाँ, तो इंटू नंबर ऑफ इवन नंबर यानी कि 25 प्लस 1, तो उससे मुझे एग्जैक्टली सम का पता चल जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन बाय द शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है। कुछ कुछ आपके शॉर्टकट मेथड्स हैं मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। जैसे कि मल्टीप्लीकेशन बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे a इंटू बी ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल टू इज ए एक्स, ठीक है, सॉरी a इंटू ए सॉरी सॉरी यहाँ पर कुछ ये फॉर्मूला का कुछ इनकरेक्शन है, बाई मिस्टेकन टाइपिंग मिस्टेक है, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी होगा, ठीक है। ये इसको इसको ये जो b के आगे माइनस है इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। a इंटू बी माइनस a इंटू सी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे 688 इंटू 99 है, ठीक है, 680। अब इसको मेरे को मुझे इसका आंसर शॉर्टली निकालना है, ठीक है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इतना लंबा कैलकुलेशन करूं, तो मैं क्या करूंगी कि 688 इंटू 100 माइनस 1 यानी कि 99 कैसे आएगा, 100 माइनस 1 अगर मैं 100 में से एक माइनस करती हूँ तो 99 ही आता है ना, तो मैंने उसे क्या कर दिया, 100 माइनस 1 लिख दिया 99 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 688 इंटू 100 माइनस 688 इंटू 1, तो यानी कि 688 00 में से मैंने 688 किया तो मेरा आंसर आ गया 68112, यानी कि विद इन द सेकेंड, मुश्किल से 3 या 4 सेकेंड में मेरा आंसर क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो गया। अदरवाइज मैं 688 इंटू 99 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही होती तो मेरा काफ़ी टाइम लग जाता, मतलब 2 या 3 मिनट तो जाते पूरा कैलकुलेशन करने में। सेम चीज़ यहाँ पे है, जैसे 688 है इंटू 999, ठीक है। अगर इसका कैलकुलेशन मुझे करना है तो मैं क्या करूँगी, 688 इंटू 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 करूँगी तो 999 ही आता है, राइट। तो 688 इंटू 1000 माइनस 688 इंटू 1, तो 688000 में से मैंने 688 माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 735 इंटू 386 प्लस 735 इंटू 614। अब इतना लंबा मैं पहले इनको कैलकुलेट करूं दोनों को, फिर प्लस करूं, तो बाप रे इसमें तो मेरा कितना वक्त चला जाएगा, यानी कि जहां पे मैं 2 या 3 क्वेश्चन कर सकती थी वहां पे मैं एक ही क्वेश्चन कर पाऊंगी, राइट। तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि 735 यानी कि दोनों का a कॉमन है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो रहा है, यानी कि दोनों का a कॉमन है, यानी कि 735 को हम साइड में निकाल के रख लेंगे, इंटू जो लास्ट के b और c है उनको प्लस कर देंगे, ठीक है। और प्लस करके बाद में हमने क्या किया कि 386 जो कि b था और प्लस 614 जो कि c है, ठीक है। 735 इंटू इन दोनों को प्लस किया 1000, इसका प्लस का आंसर आया, तो हमारा विद इन द सेकेंड मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से मल्टीप्लीकेशंस के जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं उन्हें। अभी है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर हैविंग 5 एट इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि जिनके मतलब कि उन नंबर्स का स्क्वायर हमें निकालना है जिनके यूनिट प्लेस में 5 है, जैसे 65 का स्क्वायर है। अब यानी कि 65 का स्क्वायर 65 इंटू 65 यानी कि मल्टीप्लाई करना, एक मिनट तो जाना ही है पूरा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो हम शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, 65 का स्क्वायर किया तो 6 इंटू 6 प्लस 7, ठीक है, यानी कि 6 तो था ही, उससे एक नंबर बड़ा नंबर लेकर के हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 6 को हमने 6 ही रखा इंटू 6 प्लस 1 किया,
यानी कि 6 से बड़ा एक बड़ा नंबर 7 था, हमने उसे एक उससे बड़े नंबर से उसे मल्टीप्लाई किया 42, और लास्ट का जो 5 था यानी कि 5 का स्क्वायर 25 आता है, तो लास्ट के 2 डिजिट में हम 25 को रख देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन विद इन द सेकेंड हो गया। सेम इज़ अ 75 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, यानी कि 7 × 7 + 1 यानी कि 7 से एक नंबर बड़ा क्या है, 8 है, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे 56, और इसकी यूनिट डिजिट में 5 है यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 56 × 25, ठीक है ना, कैसे विद इन द सेकेंड सॉल्व हो गया। सेम 35 स्क्वायर में, तो आप जिसकी यूनिट प्लेस में 5 का 5 हो, तो आप इस तरीके से हम क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 25 एंड 35। सच अ नंबर हैविंग 5 एट इट्स यूनिट प्लेस एंड द डिफरेंस ऑफ दियर 10 प्लेस इज अ 1, ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 25 और 35 इस तरीके के अगर कोई नंबर आते हैं, ठीक है, 25 लाइक 35, तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस में 5 है और उनका जो 10 प्लेस है उनका डिफरेंस 1 है, जैसे कि इनके इन दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेस में क्या है, 5 है, और इनका जो 10 प्लेस है यानी कि 25 का 10th प्लेस में 1 है, 35 के 3 है, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस 1 है, तो हम उन्हें कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 + 1 यानी कि 25 के 10th प्लेस में 2 था और 35 के 10th प्लेस में 3 था, तो हमने क्या किया, 2 × 3 + 1 यानी कि 2 × 4 क्या है, 8 आ गया, और लास्ट के जो दो टू डिजिट्स हैं उनमें हम 75 लिखेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को याद कर लीजिए कि लास्ट के टू डिजिट में हमें 75 करना है और 10 प्लेसेस का कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर विद इन सेकेंड कितना आ गया, 875 आ गया, ठीक है। सेम चीज़ है 35 × 45 यानी कि लास्ट के टू डिजिट में तो आप 75 लिख लीजिए, और 10 प्लेस का देखिए 3 × यानी कि 35 का 10 प्लेस 3 था इंटू, और 45 का 10 प्लेस क्या है, 10 प्लेस में 4 है, तो 4 + 1 यानी कि 3 × 4 + 1 = 5, आंसर इज अ 15 यानी कि 15, और 75 लास्ट के टू डिजिट में हमने 75 लिख लिया, बस हमें आगे के दो डिजिट्स का मतलब कि विद इन द सेकेंड 1 या 2 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ है 65 × 75 में भी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर कंटेनिंग 9 एज इट्स 10th प्लेस, ठीक है, जब 9 आपके 10th प्लेस में अगर 9 लिखा हुआ है तो हम कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इज अ 91 × 91, ठीक है, 91 × 91 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले कि 100 − 91 × 100 − 91, ठीक है, इसको ईजी करने के लिए, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आया, 99 आया, ठीक है, तो हमने क्या किया 9 × 9 यानी कि 81 आ गया, ठीक है, और फिर उसी 9 को 9 + 9 किया तो हमारा कितना आ गया, 18 आ गया, और उस अब हमने क्या किया, उस 18 को यानी कि हमारे पास पहले हमने 100 को दोनों 91 91 को हमने 100 से माइनस किया, तो हमारा क्या आया, 99 डिफरेंस आया, तो यानी कि 99 उसका मल्टीप्लीकेशन क्या, दैट इज़ 81, ठीक है, फिर हमने 9 + 9 किया तो हमारे पास उसको ऐड किया तो हमारे पास 18 आया, और उसके ऐड को हमने 100 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 82 आ गया, यानी कि इसकी जो आगे की फर्स्ट की टू डिजिट्स हैं वहाँ पे 82 आ जाएगा और लास्ट की टू डिजिट्स हैं वहाँ पर 81 आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ है 91 × 93, जैसे कि हमने 100 में से 91 को माइनस किया इंटू 100 में से 93 को माइनस किया, ठीक है, तो यानी कि 9 × 7 आ गया यानी कि 63, फिर मैंने 9 + 7 को किया, 9 और 7 को प्लस किया तो 16 आ गया, और 100 में से मैंने 16 को माइनस किया तो 84 आ गया, तो 91 × 93 यानी कि 84 इसके आगे के डिजिट्स में आ गया और 63 इसके पीछे के डिजिट्स में आ गया, ओके फ्रेंड, और सेम 95 × 97 के केसेस में भी है, ठीक है, और 99 × 99 ये आपके होमवर्क के लिए, प्लीज़ ये इसका आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है, आई विल बी कम फॉर 2 मिनट्स।
हाँ ओके, आई विल बी बैक। ठीक है, तो 99 × 99 आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलजेब्रिक फॉर्मूलाज की। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूलाज जो एलजेब्रिक फॉर्मूलाज हैं ये भी आते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए ये सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सो प्लीज़ आप इन्हें याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में इजी रहेगा। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसे इजी करने के लिए हम ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन्हें इस तरीके से आप इन्हें पढ़ लीजिए। ओके, अब है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है ना, कि कैसे होल नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, उनके डिवीजन से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और अगर डिविजर दे रखा है, तो यानी कि डिवाइडेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन क्यूटेंट, एंड क्यूटेंट दे रखा है, तो यानी कि इज इक्वल टू डिवाइडेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं होल नंबर के डिविजन्स के, इन्हें भी याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। तो सिंप्लीफिकेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन की प्रिपरेशन तो आप करके ही जाइए प्लीज़, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक का हो, SSC का हो, CGL, CHSL, NTPC का, RRB NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या किसी UPSC का पेपर दे रहे हैं, स्टेट सर्विस प्री एग्जाम्स दे रहे हैं, किसी का भी पेपर दे रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इससे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन ये ज़्यादा कुछ नहीं है इस पे, ये बहुत सिंपल है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देयर इज़ अ वेरी अप्रोप्रिएट मैथड ऑफ अ BOD बोडमास रूल। ठीक है ना, बोडमास रूल है जो कि हमें अप्लाई करना होता है सिंप्लीफिकेशन में, ताकि तुम फाइंड आउट कर सकें सॉल्यूशंस में। यानी कि सबसे पहले बोडमास रूल क्या है, कि सबसे पहले ब्रैकेट, ये बोलता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि ब्रैकेट के बीच में जो है उसको हम शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओ यानी कि ऑफ, ऑफ जो कि इंडिकेट करता है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद हम जहाँ पे ऑफ लिखा होगा क्वेश्चन में, हम उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर एडिशन और लास्ट में सब्स्ट्रक्शन करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चंस आपके सामने दिया जाएगा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, आपको इस रूल के बेस में आपको उसे शॉर्ट आउट करना है। तो ये बोडमास करके जो रूल है, BODMAS, इसको याद कर लीजिए, तो आपका क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, कि पहले हमें कौन सा, जैसे ब्रैकेट आता है वो आता है, तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम इस क्वेश्चन को शुरू कहाँ से करें शॉर्ट आउट इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑफ से, फिर डिविजन करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे, फिर सब्स्ट्रक्शन करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि 375 प्लस 150, ठीक है, डिवीजन 25। तो उसमें सबसे पहले हम 375 प्लस, यानी कि प्लस से पहले क्या आता है, डिवीजन, यानी कि पहले हमें डिवीजन करना है, उसके बाद हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 375 प्लस 150 डिवाइड बाई 25। ठीक है, फिर 25 6 या 150 होता है, तो 375 में हमने 6 को प्लस किया, देन 381 हमारा आंसर आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 288 डिवाइड डिवीजन 36 डिवाइड 18, तो सबसे पहले हम 288 को 36 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, हाँ, और हम यहाँ पे डिवाइड 18 ही लिखेंगे। उसके बाद हमें पता है कि 36 से 288 8 बार डिवाइड होता है, तो यानी कि 8 डिवाइड बाई 18, तो हमारा आंसर आ गया 4/9। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है ना, ये कि 288 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 18, तो इसको भी ध्यान में दीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, 288 अपॉन 36 कर देंगे, और 36 अपॉन 18, तो हमें लगता है कि 18 तो ऊपर जाना चाहिए, यानी कि हम सीधा क्या कर देते हैं, 288 इंटू 18 अपॉन 36 कर देते हैं, बट ऐसा वो रॉन्ग कैलकुलेशन होता है। तो यानी कि जो जैसा दे रखा है आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले 288 को 36 से डिवाइड कीजिए, फिर जो आता है वो अपॉन 18 कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 46 इंटू ब्रैकेट में है 128 माइनस 48,
फिर ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइड बाय 200। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 46 यानी कि 128 में से 48 गया तो कितना है, 80 आया। तो हमने क्या किया, 46 इंटू 80 डिवाइड 200। अब तो ब्रैकेट के बाद हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन उसके बाद आता है। तो 46 इंटू 80 अपॉन 200 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आप अकॉर्डिंग इसके देख लीजिए और देखिए और करिए इसके अकॉर्डिंग। जैसे है 11 इंटू 75 डिवाइड बाई 5 है, तो यानी कि जाहिर सी बात है हमने ये बोला कि डिवीज़न पहले किया जाता है, तो 11 इंटू 75 अपॉन 5, ठीक है, 5 से 75 गया तो 15 आया, तो 11 इंटू 15 165 हुआ, ठीक है। और ये यहाँ पे है 7680 डिवाइड 246 डिवाइड 64 डिवाइड 8, यानी कि 7680 को 256 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा, इससे हमने इसे डिवाइड किया तो कितना आया हमारा, 30 आया। फिर 30 को हमने क्या करा, 30 डिवाइड 64, 30 से 64 को किया, ठीक है। उसके बाद जो आया वो हमारा कितना आया, 15 अपॉन 32, तो हमने अपॉन 8 करा, तो 8 यहाँ पर 32 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा मल्टीप्लिकेशन सॉरी सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम पे ये मेरी वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट टाइम में विद इन 2 एंड 3 डेज में कुछ और नए वीडियोस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फॉर्मूलाज पर बेस्ड उन पर और अपलोड करूँगी, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी। पहले हम इनके कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, देन हम उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊँगी क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड।